ऐसे ही मुझे दिल्ली में स्थानीय कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष जी ने बताया मुझे, और जानकारी मिली कि बकरी बेगूसराय से हैं। तो मैं उसी समय मैंने निर्णय लिया था कि मैं यहाँ आऊँगा, और शहीदों के प्रति आत्मीयता और उनके परिवार के साथ पूरी तरह से जुड़ कर रहना, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए घोषणा की है, सरकार अपने अपने स्तर पर काम करेगी, जो एक शहीद परिवार को जो सम्मान दिया जाता है वो सम्मान दिया जाएगा, और कभी भी उस परिवार को हम संकट के हम उनको सुलभ स्थिति में, सहज स्थिति में रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा करें। तो पहले शहादत पर सवाल करने वाले लोग कम से कम शहीदों के दरवाजे पर जाकर उनका अपमान ना करें, पहले कश्मीर पर अपनी नीति स्पष्ट करें, पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी नीति स्पष्ट करें, पाकिस्तान को वो टेररिस्ट नेशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जिहाद से भारत को खतरा है कि नहीं वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जो आतंकवाद है क्या शुद्ध आतंकवाद है या एक जिहाद है, जो जिहाद 1947 में हुआ उसी जिहाद का लगातार एक्सटेंशन हो रहा है, इस बात को जो स्वीकार नहीं करते हैं उनको शहीदों का सम्मान करने का सोचना भी नहीं चाहिए। जो मूल्य और विचार को छोड़कर चारा घोटाले के सरगना का पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं वे वामपंथ के शीर्ष पर हैं। इसी से पता चलता है कि वामपंथ कितना टक्कर दे पाएगा कितना नहीं दे पाएगा। वामपंथ से कोई टक्कर नहीं है, वामपंथ से जो भी उम्मीदवार होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, दोनों में 2.5-3 लाख का अंतर होगा।